जाने ऐसा क्या हुआ, चल दिए हम समंदर के किनारे। जिंदगी तन्हा तो न थी पर सकू भी ना था, कुछ शिकवे ना थे बस सन्नाटा सा था। वो सर्दी की धूप, वो पानी का शोर, और चल दिए हम गहराई की ओर। टकराया तभी कुछ मिलाया सा, टकराया तभी कुछ मिलाया सा, सीप में मोती था कि घबराया सा। टकराया उस समय चल मिलाया सा सीप में मोती, वो थम से गए थे जब कही थी हमने उनसे ये बात। बोले थे क्या लाई थी तब तुम उसे अपने साथ। बताया था मैंने, बताया था मैंने, ये गजल है पुरानी इत्तेफाक से, और मोती था नहीं वहां, बस शायरा की नजर को महसूस हुआ था। तो बोले बात सही ही है, प्रत्यक्ष है तुम्हारा, तुम्हारा मोती ही तो है। मुस्कुराए थे हम तब उनकी मासूम मुस्कान पे, मुस्कुराए थे हम तब उनकी मासूम मुस्कान पे, और जनाब फना हो गए देखते देखते। सूख जाने पर कैनवस पे लगा रंग कुछ फीका सा होता है, क्या करें, ऐसा ही कुछ ज्ञान गीता रामायण का अधूरा सा ज्ञान उन्हें कुछ ज्ञानी फकीर दे गए थे। कह दिया था हमने उनसे कि चलो ठीक है, अब उनसे नाता नहीं है तो ना सही, जीना हमें खुद के लिए है, जी लेंगे आखिर जिंदगी जो लंबी है। और फिर यूं ही किसी के जाने से, किसी की आहट से डर जाने की जरूरत तो नहीं। एक आंसू है जरूर, एक आंसू है जरूर, इंशाल्लाह थम जाएगा। और फिर सही भी तो है, परिंदे रोया भी नहीं करते। पर अफसोस, अफसोस दिल आज भी बेतुकी सी बात करता है, यूं ही बेवजह डर के थम के बैठ सा जाता है। और हम भी जिद्दी हैं जनाब, हम भी जिद्दी हैं जनाब, यूं ही सब होने क्यों दें। चलो आज एक प्यारी चाय और कुछ रंगों से इस सूनी पड़ी कलम को कुछ मोहलत दे। थैंक यू।